गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ कि लफ्ज़ों को जुमलों में कैसे इस्तेमाल करते हैं। लफ्ज़ों को जुमले में कैसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यहाँ है कलम, सॉरी घर, तो इसका हम लोगों को क्या करना है, जुमला बनाना है। तो घर, घर में हम लोग, घर का हम लोग जुमला बहुत सारा बना सकते हैं। मेरा घर बहुत बड़ा है, मेरा घर बहुत अच्छा है, मेरे घर में बहुत सारे लोग हैं, मेरे घर का रंग ये है, बहुत सारे हैं। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि मेरा घर बहुत अच्छा है, आप इसकी जगह पर कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। इसके बाद है स्कूल, मैं यहाँ लिखी हूँ कि मैं एंजल हाई स्कूल में पढ़ती हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मेरे स्कूल में बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारा है जिसको आप जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट दोस्त, तो मेरे दोस्त का नाम अहमद है, आप ये भी लिख सकते हैं, मेरी दोस्त बहुत अच्छी है, मेरी दोस्त पढ़ने में बहुत तेज़ है, वो बहुत अकलमंद है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। कलम, मेरे पास दो कलम हैं, मेरे पास दो कलम हैं। तो ये क्या है कि ये लफ्ज़ है, ये क्या है, घर एक लफ्ज़ है और हमने क्या किया है कि इसका जुमला बनाया है। जैसे कलम, मेरे पास दो कलम हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं कि मेरे पास दो कलम हैं, तीन कलम हैं, ऐसे ही। उसके बाद है किताब, मुझे किताब पढ़ने का बहुत शौक है। नेक्स्ट है मौसम, आज का मौसम बहुत अच्छा है। तो आप लोग समझ रहे हैं कि लफ्ज़ों को जुमलों में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह यहाँ कुछ वर्ड्स हैं, लफ्ज़ हैं, इसे क्या करना है आपको, जुमलों में इस्तेमाल करना है। ओके, जैसे बरसात, गर्मी, कुर्सी, वक्त, रोटी, गुलाब, लड़का, रंग। ओके स्टूडेंट्स, इसे आप लोग खुद से लफ्ज़ को जुमलों में इस्तेमाल कीजिएगा। ओके, थैंक यू।